गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टेंथ की मैथ्स में मैंने आपको 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ तक करा दिया था, जिसमें उस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। देखिए जो ये फ्रैक्शन है वो हमें फाइंड, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना, तो फ्रैक्शन होता है जो अपॉन में टर्म होती है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, हमने फ्रैक्शन क्या लेट किया, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई, 1 टू द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर एक्स में क्या एड कर दिया, 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया 1, इट बिकम्स 1, तो क्या हो जाता है ये हमारा, इट रिड्यूसेस टू 1 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस 1 माइनस 1, 1 इधर आके माइनस हो गया, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड कंडीशन है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमिरेटर में कुछ नहीं करना, तो x अपॉन y प्लस 1 कितना हो जाता है, 1/2, तो इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, सॉल्विंग 1 एंड 2, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 1, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, कौन सा मेथड है ये हमारा, एलिमिनेशन मेथड, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x माइनस 2x क्या आया, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, ये वाला साइन देखना, माइनस 3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, तो 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 आ गया, तो x का अपॉन y फ्रैक्शन था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, कितना आ गया, 3/5। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर, 2-डिजिट के नंबर कहाँ से होते हैं हमारे, 10 से स्टार्ट होते हैं, सपोज 23 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 × 2 + 3, 23 हो गया ये, तो जब भी हमें डिजिट के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें डिजिट लेट करते हैं हम, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, ये वंस होता है प्लेस और ये टेंस होता है, वंस प्लेस को एक्स लेट किया और टेंस प्लेस को वाई। ठीक है, देन द 2-डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 10, ये इसको क्या लिया हमने, y, और ये क्या है हमारा, x, 10y + x। नाउ अब इसमें आगे आता है रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो रिवर्स का मतलब x को y में चेंज करना, y को x में, 10x + y हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 9, 2-डिजिट के जो नंबर है उनका सम 9 है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9 हो गया। आगे 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर मीन्स 10y + x, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से, इट ट्वाइस द नंबर, कितना है ये इस नंबर का, ट्वाइस है, ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो इसका ट्वाइस है। ठीक है, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, 90y + 9x, 20x + का 2y, तो इसको इधर ले जाओगे माइनस हो गया, ये टर्म इधर आके माइनस होगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 से इस पर डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8y। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, 1 क्या है, x प्लस वाई, वाई x की वैल्यू क्या आ गई, 8, ये आ गई हमारी y, x की वैल्यू क्या आ गई, 8y, 8y + y इज इक्वल टू 9, ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 9y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या आ गई, 1, 9 से 9 कैंसिल हो गया। नाउ x इज इक्वल टू 8y, y की वैल्यू 1 है, 8 × 1 = 8, तो हमारी जो नंबर क्या लेट किया था हमने, 10y + x, 10 × y, y की वैल्यू 1 है प्लस x की कितनी है, 8, तो 10 + 8 क्या आ गया, 18 डिजिट आ गई हमारी। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज को कॉपी में अच्छे से नोट करना है और समझना है, कुछ समझना है तो आप मेरे को मैसेज या फोन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है।